किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मंडियों को रणनीति पूर्वक स्मार्ट मंडियों के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री पटेल ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक नवाचार के लिए कई निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बैठक में मंडी में आवक की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि किसानों को लाभान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे मंडियों में आवक की स्थिति बेहतर हुई है। पटेल ने कहा कि इस वर्ष सरकार के द्वारा क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए चना, मसूर और सरसों का उपार्जन गेहूं के साथ किया गया है। इससे किसानों को उपज का बेहतर लाभ प्राप्त हुआ है। पटेल ने कहा कि मंडियों को रणनीति पूर्वक स्मार्ट मंडियों के रूप में विकसित किया जाए, जिससे किसान और सरकार दोनों को लाभ मिल सके। आज मैंने मंडी बोर्ड कार्यालय में एमडी मंडी सहित सभी अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की और मंडीवार मंडी की आय की समीक्षा करने पर यह पाया कि इस बार कोरोना संकट के बावजूद, मंडियां बंद होने के बावजूद, हमने सौदा पर्चे के माध्यम से घर से खरीदी व्यापारियों को छूट दी थी, उसके माध्यम से मंडी की आय बढ़ी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हमने चना, सरसों, मसूर भारत सरकार नेफेड के माध्यम से खरीदती है, लेकिन हमने जो अप्रैल मई में बाद में गेहूं के बाद खरीदी होती थी उसको पहले खरीदी की। 15 मार्च से पंजीयन हमने पहले कराया और इसलिए 86% किसान छोटा है मध्य प्रदेश में, वो फसल आते से ही मंडी में बेचता था और उसके कारण भाव गिर जाते थे, लेकिन अब समर्थन मूल्य पे उसने रोका और समर्थन मूल्य के बेचने के रुकने के कारण मंडियों में मांग बढ़ी और उसके कारण समर्थन मूल्य से ऊपर बिका। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।